खनन घोटाले में सीबीआई का शिकंजा, घोटालेबाजों पर सख्त हुई सीबीआई। हमीरपुर में सीबीआई ने डेरा डाला। हमीरपुर में 900 करोड़ से ज्यादा के खनन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है। सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम ने सोमवार को हमीरपुर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई की टीम ने मौदहा डैम गेस्ट हाउस में अपना कैंप कार्यालय बनाया और यहीं से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। अपने 2 दिन की जांच में सीबीआई ने अब तक क्या कुछ किया वो आपको बताते हैं। सोमवार को हमीरपुर पहुंची सीबीआई, मौदहा डैम गेस्ट हाउस में कैंप कार्यालय बनाया। मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित खनिज कार्यालय पहुंची सीबीआई। इस दौरान सीबीआई ने कई अहम दस्तावेज खंगाले। सीबीआई की इस कार्रवाई से मौरंग व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। सीबीआई ने 78 लोगों को कैंप कार्यालय में पेश होने का नोटिस भेजा। इनमें IAS बी चंद्रकला, सपा MLC रमेश मिश्रा और पूर्व सांसद घनश्याम अनुरागी समेत कई मौरंग माफिया का नाम शामिल है। मौरंग खनन के 88 पट्टों की जांच करेगी सीबीआई, जिसमें हाल ही में हुए खनन के 25 पट्टे भी शामिल हैं। 6 दिसंबर तक कैंप कार्यालय में ही डेरा डालेगी सीबीआई। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर एसपी ने कैंप कार्यालय के बाहर एक दारोगा और सिपाही को तैनात किया है। आपको बता दें कि सपा शासन काल में हुए इस घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने जून 2019 में सपा MLC रमेश मिश्रा समेत 11 खनन माफिया के ठिकानों पर छापा मारकर हड़कंप मचा दिया था, जिसमें सीबीआई ने कई अहम दस्तावेजों को खंगालते हुए कार्रवाई की थी। क्या है ये खनन घोटाला, कब और कैसे ये शुरू हुआ, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल मार्च 2012 में अखिलेश यादव की सरकार ने पट्टों की ई टेंडरिंग कराई। हर जिले में ई टेंडरिंग के जरिए पट्टे दिए गए, लेकिन हमीरपुर इसका अपवाद रहा। सत्ता पाने के एक महीने के अंदर ही हमीरपुर में IAS बी चंद्रकला को DM बनाया गया। बी चंद्रकला ने बेतवा और यमुना नदी से मौरंग निकालने के लिए 50 पट्टे धड़ाधड़ जारी कर दिए। इन 50 पट्टों में 11 पट्टे तो अकेले सपा MLC रमेश मिश्रा और उसके घर वालों के थे। इसके अलावा कई पट्टे संदीप दीक्षित, संजय दीक्षित और उसके परिवार वालों को दिए गए। बी चंद्रकला की इस मनमानी की शिकायत हाईकोर्ट में की गई। हाईकोर्ट में सरकार से जवाब मांगा गया तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तब 2013 में हाईकोर्ट ने नए पट्टे देने पर रोक लगा दी। नियमों के तहत जिस पट्टे में 3 मीटर तक गहराई की खुदाई हो सकती थी, उन खदानों में मशीनों से 10 से 20 मीटर गहराई तक खुदाई होने लगी। मानक से ज्यादा खुदाई के अलावा अवैध खदानों का भी चलन शुरू हुआ। अवैध खनन शुरू हुआ तो ट्रकों पर अवैध खनन को ढोने का कारोबार भी शुरू हो गया। कागज पर 400 घनफुट बालू आता था, उसको ठोस कर 600 से 700 घनफुट तक भरा जाता था। कागजों पर बालू 400 घनफुट होता था, लेकिन लदा होता था 1.5 गुना, यानी कि 600 से 700 घनफुट। ओवरलोड ट्रकों से जो वैध वसूली सरकार के खजाने में जानी थी वो भी नहीं गई। ये तो थी इस घोटाले की कहानी, लेकिन ये भी जान लीजिए कि अब तक इस घोटाले की जांच की आंच किन किन तक पहुंची है। दो जनवरी 2019 को इस मामले में पहली कार्रवाई हुई। IAS बी चंद्रकला समेत 11 पर FIR दर्ज हुई। जुलाई में DM अभय सिंह के आवास पर छापा मारा गया। CBI को यहां से 49 लाख रुपए मिले। DM देवरिया रहे विवेक कुमार के लखनऊ आवास पर छापा मारा गया। छापेमारी में बेनामी संपत्तियों के कागजात बरामद हुए। प्रमोटी IAS DS उपाध्याय भी जांच में फंसे। ED ने भी सहारनपुर के पूर्व DM पर FIR दर्ज की। IAS अजय सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। IAS पवन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हमीरपुर की पूर्व DM IAS बी चंद्रकला के खिलाफ केस दर्ज हुआ। वहीं फतेहपुर के पूर्व DM
आईएएस अभय सिंह पर भी केस हुआ। इसके अलावा देवरिया के पूर्व डीएम आईएएस विवेक कुमार पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही आईएएस देवी शरण उपाध्याय पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही पूर्व विशेष सचिव खनन आईएएस संतोष राय पर भी एफआईआर हुई। इसके अलावा आईएएस जीवेश नंदन जो पूर्व प्रमुख सचिव खनन थे उन पर भी एफआईआर हुई। सीबीआई की इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार सीबीआई एक्शन मोड में है। साथ ही ईडी भी इस मामले में यूपी के 8 आईएएस अधिकारियों समेत 11 अफसरों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। विकास पुरवार, हमीरपुर, एबीपी गंगा।